हेलो एवरी ओन वेलकम टू सिभिल सर्विस कर्नर टुडे द डेट इज सेवेंथ सेवेन्टी डिसेम्बर ट्वेंटी तो आज फर्स्ट न्यूज है अबाउट ग्रेट इंडियन बास्टार्ड तो ग्रेट इंडियन बास्टार्ड कंजर्वेशन को नहीं लेकिन आर्टिकल अच्छी सो इज नो एग्रीमेंट ऑन अंडरग्राउंड पावर बैन ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स तो बेसिकली इट इज रिपोर्टेड दैट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड राजस्थान गवर्नमेंट हाज रिजेक्टेड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रपोजाल टू पुट अल्प पावर ट्रांसमिशन लाइनस पासींग थ्रो जिआई वि हेबिटेट अंडरग्राउंड सो जि आई भी मीन ग्रेट इंडियान बासस्टार्ट तो ग्रेट इंडियान बासस्टार्ट जो रोचर्न जो रोचर ओभर लाइन केबुल्क नहीं कि तो अंडरग्राउंड जो केबुल जावा क्या सैटा सेमी रिजेक्ट करदे व्वल्ड लाइफ इन्यूट अफ इंडिया और प्रपोजाल तो यालीअर इन टू थाउज नाइंटीन अन् अर्डर अफ नाशनाल ग्रीन ट्राइब्यूनाल हाड सजेस्टेड सम रेकमेडेसन टू प्रोटेक्ट Great Indian Bustard. The first recommendation is mitigating all power transmission line passing through priority bustard habitats by undergrounding cables. Then develop predator proof enclosure in non-breeding sites and keep away nest predators such as dogs, pigs, foxes, and other species using professional trappers. राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुड एनगेज लोकल कम्युनिटीज़ टू प्रमोट बस्टार्ड फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ग्रो क्रॉप्स दैट आर प्रिफर्ड देम डिस डिस्लाउिंग न्यू वाइन टर्रबाइन एंड सोलार फार्म इन द थर्टीन थाउजेंड कोमीटर प्रायोरीटी ग्रेट इंडियन वास्टार्ड हेबिटेट इन राजस्थान एंड गुजराट तो दिस इज अबाउट द बैकग्राउंड अबाउट ग्रेट इंडियान वस्टार्ड बट ह्वाट इज अबाउट ग्रेट इंडियान बस्टार्ड द ग्रेट इंडियान बस्टार्ड विषय किसी जानवा आम

थ्रोन श्रव टल ग्रास इंटर स्प्रेयड विथ कल्टिवेशन एंड इट आवयड्स इरीगेटेड एरिया इट इज व्वान अफ देशेस फर रिकवरी प्रोग्राम अंडर इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट इंट्रेटेड डेभलपमेंट अफ व्वल्ड लाइफ हेबिटेट अफ मिनिस्ट्री अफ एनवैरमेंट एंड फरेस्ट तो युद्ध तुमको कौन क्वेश्चन आसपा ना डेजर्ट नाशनाल पार्क कौटी अच्छी क्वेश्चन आसव दे ग्रेट इंडियान बस्टार्ड्र तार आयुशियान क्या क्लासीफिकेसन कौन तुम कमेट्रे मेनसन कर ह्ट इज दयुषन स्टार्टस अफ ग्रेट इंडियान बसस्टाड दे ने नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया और यूनाइटेड किंगडम भितर गोटे मिनिस्टोरियाल डायलग हो तार कि हाइलाइट आम जाना दरकार तो टेन योर रोड मैपुर बेसिका ये डिस्क एंड हाउ टू टेक् दाई फरवर्ड इन पोस्ट ब्रेक्जिटेरिया इरा तो पोस्ट ब्रेक्जिट इरा मैंने ब्रेक्जिट पर जो युके सहित इंडिया और कमी रिलेसनसीप र तार रोडमैप एस्कसन होती तो द रोड मैप विल बी आडप्टेड एट द फोर्थ कमिंग भिज अफ प्राइम मिनिस्टर युके टू तो इंडिया इन जानवर ट्वेंटी ट्वेंटी व्वान तो जानवर ट्वेंटी ट्वेंटी ओन रहे जो जानवरी छब्विश्वर इनवैट करती इंडिया प्राइम मिनिस्टर युके मिनिस्टर को इनभइट करते आसबे बहुत सारा जिनस ए रोड मैप्रे र तो इट फोकस्ड ऑन बोर्ड फाइव ब्रोड थेम फाइव ब्रोड थेम आम कमी मन रखा ना फास्ट जितेबाला पीपुल टू पीपुल कनेक्ट बढ़ेगा दैट मीन कनेक्टिंग पीपुल इट विल ओबियली एनहांस ट्रेड देोज कनेक्टिविटी बिटवीन पीपुल एंड पीपुल एंड ट्रेड विल लीड टू प्रस्परीटी देन अनादर टू थिंग्स इज इम्पोर्टाट दैट इज डिफेन्स एंड सिक्युरी एंड क्लैमेट एंड हेल्थ सो दीज फाइव थेम्स आर इम्पोर्टाट दि टू डिफेन्कोनोमिक पार्टनरशिप

तो बायोलेट्राइ रिलेसन भी भल चली तो इंडिया वेलकम द यूनटेड किंगडम्स इंडो पैसिफिक टिल्ट तो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द यूके अंडरस्कोर्ड दैट दैट पॉलिसी ऑफ अफ एंगेजमेंट इन द रीजन ड्यूरिंग नाइंटीन सिक्सट एंड सेवेंटीज वाज ए मिस्टेक नाउ यूके इज लुकिंग ईस्ट एंड इंडिया इज इमर्ज एज द की पिलर इन दैट स्ट्राटेजी यूके इज एल्सो एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ जइनिंग द क्वाड्री लैटेल सिक्यूरी डायलग क्वाड इन पोस्ट ब्रेक्जिट इरा तो क्वाड सहित भी जइन करने इंटरेस्ट

Central and state government policy updates, as well as the latest business news and trade data. Website will act as a two way funnel connecting Indian national businesses and states globally for enhancing export, exploring employment opportunity, as well as attracting foreign industries and business to India. The website will con connect interested investors to relevant government agencies such as Apeda, Apedaro formula, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंडियन ट्रेड पोर्टल फॉर ट्रेड वीथ इंडिया इनभेस्ट इंडिया फॉर इनवर्ड इनमेंट तो मोर क्वेश्चन है आपेडा एग्रिकलचुराल एंड प्रोसेस्ड फुड प्रडक्ट एक्सपोर्ट डेभलपमेंट अथोरीटी कम्स अंडर हुई मिनिस्ट्री ত ইয়াক তুমি কমেণ্ট চেকচনৰে মেনচন কৰক দেন ইকনমিক ডিপ্লোমাছিচিচি মানে ক'ৰ ইট ইনভলভ য়ুজিং ডিপ্লোমেটিক স্কিল্ছ উই ইকনমিক টুলছ টু আডাঞ্চ এ কণ্ট্ৰিজ ইকনমিক পলিটিকা এণ্ড ষ্ট্ৰাটেজিক গ'ল তাট ইজ দ অবজেক্ট অফ ইকিক পলিচ দিজ আ প্ৰমোচন অফ ট্ৰেড এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট আচিভ অবজেক্টিভ ইন মল্টিলাট্ৰাল ট্ৰেড নেগোচিয়েচন এনৰ্জি চিকিউৰিট এণ্ড ৰিয়েলাইজেচন অফ পলিটিকাল অবজেক্ট থ্ৰ' ইকনমিক আকচন Economic diplomacy and state division has been established as economic arm of Ministry of External Affairs to facilitate foreign investment flows, promote bilateral trade, tourism, yoga, and traditional Indian medicine, etc. So, this is about economic diplomacy and its related website launched by External Affairs Minister of India. Next news is India seek tariff negotiation at World Trade Organization. ত ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গানাইজেচনক নেকি আমাৰ আৰ্টিকেল অঁ বেছিকালি ইয়াৰ কণ্টেক্স ক'ত ক'ত ন ইণ্ডিয়া হাজ প্ৰপ'জড টু ৰগোচিয়েট বৌণ্ড ৰেট অৰ্ অপৰটাৰিপ লিমিট অন চাৰ্টেন আইটম ৰিপ'ৰ্টেডলি ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'ল'জি প্ৰডক্ট এট ডব্লুটিঅ চ' দিজ ম'ভ কম এট এ টাইম ৱেন দেণ্টাৰ হেজ বিন এনকৰেজিং ডমেষ্টিক মানুফেকচৰিং ইট চেক্টৰ থ্ৰো এ প্ৰডকন লিংকড ইচেণ্টিভ স্কিম অণ্ডৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত যোজনা प्रोडक्शन लिंकड इन इनसेंटिव स्कीम कौन ना से जो प्रोडक्शन यूनिट मानक किसी इनसे प्रोभाइ कर इनफन फर्म अफ लोन और आडभन्स एटसेट्रा so, सो टैरिफ माने कौन ना टैरिफ्स आर टैक्स लेविड अपन द मर्चेडाइज इम्पोर्ट जो कि जिन इंडिया को आसूची आम कौन कर टारिफ लगो चे? ना ना सेम टैरिफ गिव ए प्राइस टू आडभा प्रड्यूसड गुड्स ओवर सिमिलर गुड्स व्हिच आर इंपोर्टेड जो जो अमर इम्पोर्ट हो गुड सब आसूसी से गुड आमर ए प्रड्यूस होंडिया बट जेते बड़े जो इो असूम बाउंड्री से कौन आम टैक्स इंपोज करूचे तेनाली जो जो जिन प्रड्यूस होती तो टैक्स आज इम्पोज करूँ अलग इंपोर्ट टैक्स वारिफ से आमर लोकाली अच्छा लोकाल मेनुफैक्चर मैंनेली आडांटेज रोच्च ना ना एंड दे इज देज रेवन्यू फर गमेन्ट्स bound tariff rate are the maximum duty level that government apply to import from other wto member so each country agree to these commitment when they join wto basically these bound rates are vary from country to country and commodity to commodity so nations are permitted the flexibility to apply lower tariff level to certain import but they may not exceed their bound limit okay so maximum लिमिट गोटे थे जो लिमिट कु क्रॉस करवा उचित नुह ताप देख डब्ल्यू टीओ रूल्स अलाउ कंट्री टू रीनेगोशिएट बाउंड रेट फॉर प्रोडक्ट्स वित्त सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एक्सपोर्ट इफ द कंट्रीज अप्लाइड और करेन्ट टैरिफ इज अबाउट ब्रीच ऑफ द बाउंड रेट द कंट्री हैज टू कंपेनसेट टू रेज इट्स बाउंड रेट टू एक्सपोर्टिंग कंट्री थ्रो थ्रो नेगोशिएशंस सो व्हाट इज अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन World Trade Organization deals with global rule of trade between nations. WTO has over 160 members representing 98% of the world trade. Over 20 countries are seeking to join WTO. India is a member. To join WTO, a government has to bring its economic and trade policies in line with WTO rules and negotiate its terms of entry with WTO membership. The primary purpose of WTO is to अफन ट्रेड द बेनिफिट ऑफ़ ऑल। इट्स मेन फंक्शन इज टू एनस्योर दैट ट्रेड फ्लोज आज स्मूथली, प्रेडिक्टेबली एंड फ्रीली आज़ पॉसिबल। तो बेसिकली डब्ल्यू टीओ रब्जेक्ट कौन ना से जो ट्रेड बिटवीन कंट्री टू कंट्री होफन रहा दरकार बेसी बेसी कष्ट ररकार नहीं गोटे कंट्री रू आ गोटे कंट्री रू जिन आसला कौन हो बेनिफिट से फ्लेक्सबिलिटी ररकार सेमूथ ट्रांजेक्शन रहा दरकार तो से जिन डब्ल्यूटीओर अब्जेक्टिव तो बेसिकली ग्लोबल रूल अफ द ट्रेड द देशन तार बेसिक अब्जेक्टिव ओके तो नेक्स्ट न्यूज को आम देखा मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर हाइलैट इनट्यूसनाल मेकानिज फर प्रिभेटिंग एंड काउंटर काउंटरिंग ह्युमान ट्राफिकिंग एट स्टेट लेवल तो ह्युमान ट्राफिक मानने क्या ह्यूमान ट्राफिकिंग इनवल्वस रिक्रुटमेंट ट्रांसपोर्टेसन ट्रांसफर हार्बरिंग और रिसीप्ट अफ पर्सन बै मीन अफ थ्रेड और यूज अफ फोर्स अदर फर्मस ऑफ़ कर्सन डिसेप्शन फॉर पर्पज ऑफ़ एक्सप्लोइटेसन तो से जो एक्सप्लोइटेसन जो हूँ एक्सप्लटेशन मे इनक्लूड्ड प्रस्टिट्यूशन ऑफ़ अदर और अदर फर्म ऑफ़ सेक्सुआल एक्सप्लोइटेसन फोर्स्ट लेबर और सर्विसेस स्लावेरी और प्राक्टेस सिमिलर टू स्लावेरी सर्विट्यूड और रिमोवाल अफ अर्गान तो यही सब जिन ह्युमान ट्राफिकिंग अंडर जा तो अप्रोक्सीमेटली सिक्सटीन मिलियन अमेन आर विक्टीम अफ सेक्स ट्राफिकिंग इन इंडिया ए इयर सो ह्वाट आर द मेकानिज टू टैकल ह्यूमन ट्राफिकिंग तो ह्यूमन ट्राफिकिंग बहुत इम्पोर्टा तुम्हें कौन पह जीएस पेपर वन रे अच्छी पूरा डायरेक्टली लिखा ही ह्युमान ट्राफिकिंग तेणु व्हाट आर द मेकानिज टू टैकल ह्यूमन ट्राफिकिंग दिस इज अल्सो भेरी इंपोर्टाट तो बेसिकली देर आर सम इनट्यूशनाल मेकानीजम हुई ह्विच इज प्रोइाइडेड बै मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर सो मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर हाज प्रोभेड फिनासील आसीटास्ट स्टेट गवर्नमेंट फर से अफ़ आंटी ह्युमान ट्राफिक् यूनिट्स anti-human trafficking units are integrated task force to prevent and combat trafficking in persons and comprise of a group of trained sensitive officials of police, women and child welfare department and other relevant department of the state. while the central government has provided financial assistance for setting up physical infrastructure in the unit, it is the responsibility of state to depute suitable manpower to manage these units. Ministry of Home Affairs has also released one thousand one hundred crore under Nirvaya Fund to all state and UTs for setting up of Omen Help Decks in 10,000 police stations of the state. These Omen Help Decks shall also attend to all matters relating to human trafficking, notifying state level, district level, and police station level anti human trafficking unit by states and union territory. Next mechanism is constitutional and legislative provisions. The Immoral Traffic Prevention Act 1956 is the premier legislation over pre prevention of trafficking for commercial sexual exploitation. So Criminal Law Act 2013 provide for comprehensive measure to counter the menace of human trafficking including trafficking of children. Protection of Children from Sexual Offense Act 2012. Other specific legislation such as Prohibition of Child Marriage Act 2006. बॉन्डेड लेबर सिस्टम आक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स एटसेट्रा सो देर आर सम इंटरनेशनल कन्वेन्शन एलसो द इंडिया हाज रेटिफाइड द यूनाइटेड नेशन कनभेनसन अन् ट्रांज़िशनल अर्गानाइज क्राइम हुई हज आज ओन अफ इट्स प्रोटोकल प्रिभेन्शन सप्रेशन एंड पनीशमेंट अफ ट्राफिकिंग इन पर्सन पर्टिकुला ओमेन एंड चिलड्रेन इंडिया हाज रेटिफाइड द सार्क कन्वेनसन ऑन प्रिभेंटिंग एंड कंबाटिंग ट्राफिकिंग ओमेन एंड चिल्ड्रेन फर प्रस्टिट्यूशन देख न्यूज आउ किसी आइटम अच्छी जमीलेटरी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बक्स मैंने तुम्हें सांगे सांगे मन रखो आरबीआई ओके रिसेंटली आरबीआई रिलैक्स्ड रेगुलेटरी नॉर्म फॉर इट्स रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इनिशिएटिव तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बक्स मैंने कम इट यूजुअली रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ लाइव टेस्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेस इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर व्हिच रेगुलेटर्स मे और मे नॉट परमिट रिलैक्सेशन फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ द टेस्टिंग हट आर द बेनिफिट बेनिफ अफ सच एंड आप्रोच नो नीड फर ए लार्जर और मोर् एक्सपेन्सी रोल आउट बेटर मैनेजमेंट अफ रिस्क रिल्क्सेसन इन रेगुलेटरी एंड लिगल रिक्वयरमे एटसेट्रा सो बेसिका रेड्यूसींग नेट अर्थ रिक्वयरमेट टू टेन लाख फ्रम ट्वेंटी फाइव लाख इियर एंड पार्टनरसीप्फ एंड लिमिटेड लायबिलिट पार्टनरसीप्प हाव बीन अलॉड टू पार्टपेट तो पार्टनरसीप्प फार्म आउ लिमिटेड लायबिलिट पार्टनरसीप् मैंने पार्टीपेट करेंगे रेगुलेटरी सैंडबक्स अंडर में तो रेगुलेटरी रेड्यूसींग नेटवर्थ रिक्वयरमेंट टेन लाख फ्रम पचीस लाख ट्वेंटी फाइव लाख तो ट्वेंटी फाइव लाख रु टेन लाख अमर कमी ओके जाके नेक्ट न्यूज है नेशनल हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट तो बेसिकली ये बेसिकालीटा को किए रिव्यू करना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हेल्ड मिड टर्म रिव्यू ऑफ नेशनल नेशनल हाइड्रोलोजी प्रोजेक्ट तो नेशनल हाइड्रोलोज प्रोजेक्ट स्टार्ट होता ना टू थाउज सिक्सटन आज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम

इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रेपोनबुल फॉर सरफेस एंड और ग्रउंड व्टर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट युजर्स ऑफ वाटर रिसर्स इनफर्मेसन सिस्टम सो बेसिकली नेशनल हाइड्रोलोजी प्रोजेक्टर मिड टर्म रिव्यू हो मन रखे तार प्रोजेक्टर एम को मन रखार जो दुईटा ग्रुप अफ बेनिफि जो अच्छे सेट्राल आउ स्टेट इम्प्लीमेंट एजेन्सी रेस्पोनसबल फर सरफेस अर ग्रउंड व्टर प्लानिंग एंड युजर अफ वाटर रिसर्च इनफर्मेसन सिस्टम

आईबीआई फुल फर्म कहला मत देक्रेटरीज टू भेरिय डिपार्टमेंट ह्वाट इज द फुलर्म अफ आर आई बी आई तापर देख बंगबंधु शेख मजबूर रेहमान यूनेस्को गोटे इंटरनेशनाल प्राइज लंचाइड कर बंगबंधु शेख मजबूर रेहमान इन द फिल्ड अफ क्रिए इकोनोमी इन हिज नेम हि व्वाजाज द फाउंडिंग लिडर अफ बांग्लादेश एंड कंट्रीज फास्ट प्राइम मिनिस्टर

अकाडेमिक फी एंड मेन्टेनान्स एलाउंस द स्कीम इज बी इम्प्लीमेंटेड बै ए आई सी टीपर देख लास्ट न्यूज रहीम खाने खनम तम रहीम खाने खनम तम कौटी अच्छी ना बेसिकली इट इज लोकेटेड इन निजामुद्दीन दिल्ली इट व्वाज बिल्ट बै रहीम फॉर हिज वाइफ इन नाइनटीन फिफ्टी एइट फिफ्टीन नाइंटी एट बल्बोस डम्स कानपीज एंड आर्क चार बाग पटन एंड यूज अफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल आर इम्पोर्टाट फीचर रहीम अज वन ऑफ द नवरत्न ए रेप्युटेड मिलिटरी कमांडर एंड पोएट इन द कोर्ट ऑफ एम्परर आकबर ही इज नोन आज द प्रोपोनेट ऑफ सेक्युलर ऑल एम्ब्रासिंग ऑल एंड कल्चर ऑफ इनक्लूसिवनेस, हि रोट एक्सटेन्सिवली इन ब्रॉज सांस्कृत आरबिक एंड पर्सियन ही ट्रांसलेटेड बबर्स ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा फ्रॉम तुर्किश टू पर्शियान सो दिस इज अबाउट रहीम खाने खनम तम কি কৰি ৰম ৰহিম কি হিউ যে নৱৰত কাহাৰ ইম্পৰ আকবৰ আৰু ক'লে লোকেটেড কেজামুদিন দিল্লী ত' বেছিকা আমি কণ কণ আৰ্টিকেল ডিছক কলে জষ্ট ৰিভ কৰা আমি দেখিলে গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড কেইকি আমি ৰিভ্যু কলে तार लोकेशन से कौटी एंडेमिक अच्छी तार नहीं कि कौन स्टाटस अच्छी तापे इंडिया यूके रिलेशनशिप डिस्कस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री लॉन्च कले जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट क्वेश्चन तुमको व्हाट इज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी तो डिप्लोमेसी यूजिंग इन डिप्लोमेटिक स्किल्स ओथ इकोनॉमिक टूल टू एडवांस ए कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक गोल देन हमें इंडिया जो टेरिफो रिनेगोसीएसन सिक्क करा सहित तो, वर्ल्ड ट्रेड अर्गानाइजेसन सहित तो, डिस्कस कले डब्ल्यू टीओ विषय भी जान ला तार टोटाल मेम्बर केिक्सटी मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर जो टोटालमर के ह्यूमन ट्राफिकिंग को लेकिन जो अच्छी ताकत डिस्कस कले ह्यूमन ट्राफिकिंग कौन आम जाने आउ ह्वाट आर द मेकानिज टू टेकेल ह्यूमन ট্রাফিকিং এমন ডিসকস কলে তিনটা জিনিস তিনটে আসে নেই গোটে হলো ইনস্টিট্যুসনা মেকানিজম সেকেন্ড হল কনস্টিট্যুসনাল অন্ড লেজলেটিভ প্রজন অ্যান্ড লাস্ট ইজ কনভেনশন হ্যুমান ট্রাফিকিং তাপরে আমি ডিসকস কলে রেগুলেটরি স্যান্ড বক্স ন্যাশানাল হাইড্রোলোজি প্রোজেক্ট স্টাবিলিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল বঙ্গবন্ধু শেখ মজবুর রেহমান দেন প্রাইম মিনিষ্টর স্পেশা স্কলারশিপ স্কিম অ্যান্ড রহিম খানে খানম তম দিস ইজ News of 17th December 2020. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.